आज IPL मैच दिल्ली कैपिटल बनाम मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल के खिलाफ IPL 2022 मैच नंबर 2। दिल्ली कैपिटल बनाम मुंबई इंडियंस। टिम डेविड के किरण पोलार्ड और टायमल मिल्स के जसप्रीत बुमराह के साथ जुड़ने के साथ उनके पास बल्ले और गेंद से अंतिम ओवर शामिल हैं। हाल ही में हुई नीलामी में साइन किए गए खिलाड़ियों में से केवल जोफ्रा आर्चर ही आगामी सीजन के लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे मुंबई की टीम अच्छी तरह से तैयार हो गई है। मुंबई इंडियंस पहले की तरह एक उच्च गुणवत्ता वाले स्पिनर की कमी है। मुरुगन अश्विन और मयंक माकिंडे के साथ उनके एकमात्र भारतीय विकल्प और एक ऑलराउंडर के रूप में फैबियन एलर के साथ मुंबई इंडियंस को अनुभवी बड़े नाम वाले स्पिनर की कमी खल सकती है, जो भी टूर्नामेंट के दूसरे भाग के लिए चाहते थे, जब पिचों के अधिक मुड़ने की संभावना होती है। लीग चरण की मेजबानी करने वाले चार मैदानों का उपयोग। रोहित शर्मा दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। वह IPL 2011 की नीलामी में मुंबई इंडियंस में शामिल होने से पहले IPL 2008-2010 से डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले। वह तब से मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं। उन्होंने 5 IPL खिताब और 2 चैंपियंस लीग खिताब जीते हैं। वह नव नियुक्त भारत के वर्तमान सभी प्रारूप T20 दिवसीय टेस्ट कप्तान हैं। उन्होंने IPL में 213 मैच खेलकर 1 टन और 40 अर्धशतक के साथ 5611 रन बनाए हैं। उन्होंने 15 स्कैल्प भी लिए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 31.17 और गेंदबाजी औसत 30.2 है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स, अगर आपको यह तैयार वीडियो पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। वर्ल्ड क्रिकेटर्स का सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड क्रिकेटर्स का YouTube चैनल। हमसे जुड़े रहने और नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा पाने के लिए और बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद आपका।